वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल माइनिंग माफिया। अंडरग्राउंड मेटल माइन के सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉपिंग मेथड्स के बारे में। वीडियो पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। लेट्स बिगिन द वीडियो। आज हम लोग ब्रेस्ट स्टॉपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ओवरहैंड एंड अंडरहैंड स्टॉपिंग के बारे में बात करा था। उस सारे वीडियो की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रेस्पेक्टिव टॉपिक की नोट्स भी मिल जाएगी। ब्रेस्ट टॉपिंग पर बात करते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई ब्रेस्ट होल हम लोग यूज करते हैं स्टॉप को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस मेथड को हम लोग ब्रेस्ट स्टॉपिंग बोलते हैं। अब ब्रेस्ट होल होता क्या है? अगर कोई होल हम सामने तरफ ड्रिल करते हैं फ्रंट में, मतलब फ्रंट में आपका फेस रहेगा, जो वर्टिकल फेस आपका फ्रंट में रहेगा, उसे हम ड्रिल करेंगे, तो उस होल को हम लोग ब्रेस्ट होल बोलते हैं। ओवरहैंड जो होता है ऊपर तरफ करते हैं, अंडरहैंड होता है जो नीचे तरफ करते हैं, और ब्रेस्ट होता है जो आप सामने तरफ करते हैं होल, उसे ब्रेस्ट होल बोलते हैं। उस होल को यूज करके अगर आप स्टॉपिंग करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर करते हैं, तो उसे हम ब्रेस्ट स्टॉपिंग बोलेंगे। ब्रेस्ट स्टॉपिंग में भी अलग अलग तरह की होती है, डिपेंड करते हैं उसकी वर्किंग भी, मेथड के हिसाब से उसकी वर्किंग भी चेंज होती है। जैसे कि हेडिंग बोन है, फुटवॉल क्रॉस कट एंड बॉक्स होल मेथड है, बोर्ड एंड पिलर मेथड, स्कैटर्ड पाइल मेथड, ब्रेस्ट स्टॉप विथ शिफ्टिंग शूट मेथड, ब्रेस्ट स्टॉप विथ वाइड ओवर बॉडी, ये सारे मेथड्स हैं। और सारे में वर्किंग भी चेंज होती है, किसी में असेंडिंग में वर्क करते हैं, किसी में डिसेंडिंग में वर्क करते हैं। एप्लीकेबिलिटी देखते हैं। ओवर बॉडी और फुटवॉल और हैंगवॉल जो रहेगी वो स्ट्रांग रहेगी। इंक्लाइनेशन वो हॉरिजॉन्टल से लेकर माइल्ड इंक्लाइन रहेगी, तो 0 to 30 degree है। और जो थिकनेस है वो 4.5 meter से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं। हम लोग डेवलपमेंट हर एक मेथड में इक्वल रहता है। जैसे कि हम लोग एक्सेस करेंगे ओवर बॉडी को शार्ट इंक्लाइन और एडिट के थ्रू, फिर उसके बाद क्रॉस कट के थ्रू अप्रोच करते हैं। ये क्रॉस कट है जो ओवर बॉडी को कांटेक्ट में लाता है शाफ्ट या इंक्लाइन से, उसे क्रॉस कट बोलते हैं। और वो क्रॉस कट का इंटरवल जो है 60 मीटर टू 200 मीटर के बीच रहता है। यहाँ पे माइल्ड इंक्लाइन है तो इंटरवल ज्यादा रहेगा, क्योंकि मेटल माइंस का बेसिक जो वर्किंग है उसमें अगर ओवर बॉडी आपका माइल्ड इंक्लाइन है तो उसमें लेवल इंटरवल आप ज्यादा रख सकते हैं। उसके बाद ओवर बॉडी टच करने के बाद लेवल हम लोग चलाते हैं, ये मेन लेवल हो गया। लेवल चलाने के बाद फिर हम लोग लेवल को रेस एंड विंड से कनेक्ट करते हैं ओवर बॉडी में, ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके। साथ ही साथ क्विक सप्लाई ऑफ मटेरियल भी हो, और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेवलिंग भी बहुत आसानी से हो। उसके बाद ये एक इनलार्ज व्यू है, अपर लेवल चल रहा है यहां पे, लोअर लेवल। फिर हम लोग रेस एंड विंच बनाते हैं। यहां पे लेवल इंटरवल जो है वो 60 to 200 meter रहेगी। रेस एंड विंच चलाएंगे। इतना होने के बाद हम लोग का ये स्टॉप तैयार है डेवलप करने के लिए। ब्रेस्ट स्टॉपिंग ये एक ओवर बॉडी है। अब इसमें देखते हैं वर्किंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग लोअर लेवल से ड्राइवेज बनाएंगे स्टॉप के अंदर। फिर जो बाउंड्री तरफ आपका रहेगा रेज, वहां से भी ड्राइवेज बनाएंगे, फिर उसे ड्रिल करके ब्लास्ट करके एक्सकेवेट कर लेंगे। एक्सट्रैक्शन करने के बाद यहां पे दो स्लाइस में बांट दिया जाता है इस स्टोप को। एक अपर स्लाइस रहता है, एक लोअर स्लाइस रहता है, डिपेंड करता है आपका लेवल इंटरवल पे। तो इसमें क्या होता है, लोअर स्लाइस जो रहता है वो अपर स्लाइस से थोड़ा ज्यादा एडवांस रहता है। अभी वर्किंग आप देखिएगा एनिमेशन, लोअर स्लाइस थोड़ा ज्यादा एडवांस रहता है अपर स्लाइस के मुकाबले। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो भी ब्लास्टेड मटेरियल मेरा
अपर स्लाइस से आएगा वो डायरेक्टली मेरा शूट में जाएगा, ये शूट होता है जो लोअर लेवल से कनेक्ट रहता है और लोअर लेवल मेरा हॉलेज का काम करता है, हॉलेज लेवल का, यहीं से मेटल ट्रांसपोर्ट होता है। साथ ही साथ यहां पे जैसे कि ब्लास्ट होगा वैसे ही ये मटेरियल मेरा शूट में जाएगा, ज्यादा लेबोरियस वर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि ये माइल्ड इंक्लाइन है, 30 डिग्री मैक्सिमम है, डीप आप देख सकते हैं नीचे तरफ है, तो इसे लोअर लेवल थोड़ा ज्यादा एडवांस रहता है। ये वर्किंग अलग अलग मेथड पे अलग अलग तरह से होता है, जैसे कि हैरिंग बोन में डिसेंडिंग में चलता है, मतलब ऊपर वाला आगे चलता है, लेकिन ये असेंडिंग यहाँ पे असेंडिंग में हो रहा है, लोअर स्लाइस जो है वो थोड़ा ज्यादा एडवांस है। और इस मेथड में सिलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल होता है, जहां पे आपको सपोर्ट का जरूरत है आप वहां सपोर्ट दे सकते हैं, और जहां पे साथ ही साथ आपको लो ग्रेड ओर भी मिल रहा है या कोई पैकेट साइज ओर है उसे आप एक्सकवेट करने, बीच में आपको अन इकोनॉमिक मटेरियल या रॉक मिलता है तो उसे आप छोड़ सकते हैं सपोर्ट के लिए, ये इसमें एक पॉसिबल होता है। अगर आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो चौक सपोर्ट विद पिलर इसमें अप्लीकेबल होता है। एडवांटेजेस देखते हैं, सिलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल है इस मेथड में क्योंकि ये माइल्ड इंक्लाइन है, साथ ही साथ आप इसमें लो ग्रेड ओर जहां पे है जो आपका प्रॉफिटेबल नहीं है वहां पे आप छोड़ सकते हैं, इसलिए इसे सिलेक्टिव माइनिंग बोलते हैं। जबकि अंडरहैंड ओवरहैंड में आपको कंप्लीट स्टॉप एक्सकेवेट करना पड़ता था क्योंकि हाई इंक्लाइनेशन रहता था, लेकिन यहाँ पे माइल्ड इंक्लाइन है 30 डिग्री तक, इसलिए आप यहाँ पे सिलेक्टिव माइनिंग कर सकते हैं। वर्किंग इज इजी एज वी वर्क ऑन सॉलिड ग्राउंड, सॉलिड ग्राउंड में फुटफॉल में हम लोग खड़े होकर वर्किंग करते हैं, इसलिए काफी आसान होता है, काफी सस्ता मेथड होता है ये, और सब मटेरियल सप्लाई भी काफी इजी होता है इस मेथड में। पॉकेट डिपॉजिट्स कैन बी वर्क, अगर पॉकेट डिपॉजिट्स मतलब छोटे छोटे रिजर्व में, मतलब छोटे छोटे क्वांटिटी में आप कहीं आपका डिपॉजिट मिलेगा इररेगुलर या डिसकंटिन्यूटी में, तो उसे हम पॉकेट डिपॉजिट बोलते हैं, उसे इजिली हम एक्सकेवेट कर सकते हैं। पॉकेट डिपॉजिट में एक बात गौर करने वाला चीज होता है कि जो हम लोग का लेवल इंटरवल होता है वो हम लोग का बहुत मतलब कम होना चाहिए एवरेज के मुकाबले, ताकि कोई भी पॉकेट डिपॉजिट हम लोग का छूटे नहीं। एडिशनल सपोर्ट्स आर लेस रिक्वायर्ड क्योंकि यहाँ पे आप जो लो ग्रेड ओर है उसे आप छोड़ सकते हैं फॉर सपोर्ट। ड्रिलिंग भी काफी इजी है क्योंकि आप फर्म फ्लोर में और सामने तरफ ड्रिल करते हैं, सुपरविजन भी काफी इजी होता है। ये एक 3D व्यू है, यहां पे आप देख सकते हैं सपोर्ट छोड़ा गया है ओर का ही। ये हाई इंक्लाइनेशन बॉडी के लिए अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये 30 डिग्री तक ही है, 4.5 मीटर से ज्यादा थिक बॉडी के लिए सूटेबल ये नहीं है। रिकवरी ऑफ ओर इज लेस क्योंकि यहां पे पिलर्स छोड़े जाते हैं ओर के ही, इसलिए रिकवरी यहां पे कम होता है। कॉस्टली एंड रिच मिनरल के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि यहां पे आपका पिलर्स छोड़ा जाता है, जो भी पिलर मेरा आएगा यहाँ पे सपोर्ट्स के लिए उसे छोड़ा जाता है यहाँ पे, इसलिए प्रॉफिटेबल नहीं होता उसमें। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि माइनिंग का टेम्पो हाई है।